अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शाह फैसल तांडी सुबह कुकिंग शो में सब खैरियत से हूं। जेकर रेसिपीज टाइम पे तांजी फरमाइश के मुताबिक हुन सा कर मिल्क पैक नेस्ले जी भी तमाम जबरदस्त रेसिपीज हैं जेको आज का स्टार्ट कंदासी तां जेला छा करता नहीं ते कर दही आए वो तमाम बेहतरीन साफ पैकिंग में तैयार मिलंदी आ। फ्रेश क्रीम जेको तां हमेशा मुखे पुछंदा आयो केड़ी फ्रेश क्रीम यूज कंदा आयो, तो मिल्क पैक नेस्ले जी फ्रेश क्रीम जे में मिठा भी ठंदा आहिनि खादन में भी पवंदी आ। वो आहे खीर, जीअं ॿारनि खे ॾींदा आहियो खीर पीअंदा आहियो त मिल्क पैक जो खीर बि तमामु बहितरीन आहे। फुल क्रीम मिल्क हूंदो आहे, टेट्रा पैक में दस्तियाबु हूंदो आहे। मिठा बि जीअं ठाहींदा आहियूं त फुल क्रीम मिल्क में छा हूंदो आहे, उहो घाटा थी वेंदा आहिनि खीरणी वग़ैरह सां ठाहींदा आहियूं। त अॼु मां जेका रेसिपी ठाहियां पियो, अधी जी फरमाइश हुई काफ़ी ॾींहंनि खां की ऑरेंज चिकन ठाहिणु सेखारियो। ऑरेंज चिकन छा आहे, ऑरेंज जूस हिन में विझिबो आहे, मसाला तमामु सुठा पवंदा आहिनि ऐं ईज़ी रेसिपी आहिनि। अछे चांवरनि सां गॾु, फ्राइड राइस सां गॾु, बटर राइस सां गॾु खाइबो आहे, तमामु मज़ेदार रेसिपी आहे। हींअर ऑरेंज यानी नारंगी जो सीज़न बि आहे, त उहो तव्हां रेसिपी ठाहिजो चिकन ऑरेंज तमामु मज़ेदार। अॼु मां जेको ॿ रेसिपियूं हुन सां गॾु ठाहियां पियो, हिकु त मां ठाहियां पियो स्मूथी आहे। स्मूथी छा हूंदो आहे की स्मूथी जीअं ड्रिंक हूंदी आहे असां शेक ठाहींदो हिन तरीक़े जी ठहंदी आहे, हुन में ॾही जो इस्तेमालु थींदो आहे। त नेस्ले जी रेसिपी मां तव्हां सां गॾु शेयर कंदमि, बनाना कीवी स्मूथी। अगरि कीवी तव्हांखे नथी मिले त पोइ तव्हां को बि सुठो फ्रूट विझी सघो था। कीवी हिते कराची में काफ़ी शहरनि में मिले पई, सस्ती बि हाणे मिले पई, त इहे ॿारनि जे लाइ तमामु बहितरीन आहे। हुन सां गॾु मां ठाहींदमि स्वीट योगर्ट। स्वीट योगर्ट यानी ॾही ठाहींदमि, मिठी ॾही जेको फ्लेवर वाइज़ ठहंदी आहे, उहो तव्हां थधी करी खाई सघो था। छाकाणि त ॾही खाइणु खपे, हाज़मे लाइ बि सुठी हूंदी आहे ऐं हॾियुनि जे लाइ, जिस्म में ताक़त लाइ तमामु हुन में कैल्शियम इलाही वधीक आहे। खीर खां वधीक ॾही में कैल्शियम आहे, त ॾही खाईंदा कयो। त इहा रेसिपी जेको मां मिठी ठाहियां पियो, ॿार ईअं ॾही न खाईंदा आहिनि त उन्हनि जे लाइ इहा रेसिपी तमामु बहितरीन आहे। ॿारनि खे ॾही में फ्लेवर ॾही, फ्रेश क्रीम वग़ैरह ऐं हिन टाइप जी रेसिपियूं ठाही, डिफरेंट फ्लेवर्स में हाणे गर्मियुनि जे हिसाब सां मां ठाहींदमि, त उहो तव्हां ॾिसिजो। ठीकु आहे, अॼु की जो रेसिपी बना रहे ऑरेंज चिकन बना रहा हूं, फरमाइश थी, ऑरेंज का भी सीज़न चल रहा है, बनाए बटर राइस, फ्राइड राइस या बॉयल जैसे हम भगार वाले चावल बनाते हैं उसके साथ आप खा सकती हैं, बहुत ही मज़े की होती है ऑरेंज चिकन। उसके साथ मैं नेस्ले की रेसिपी बना रहा हूँ, ठीक है, मिल्क पैक की। नेस्ले मिल्क पैक की ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। एक तो हम बनाएंगे स्मूथी बनाएंगे, कीवी यहाँ पे मिल रहा है कराची में, हर शहर में मिल रहा होता है कीवी या कोई और फ्रूट भी आप यूज़ कर सकती हैं जो आपको अच्छा लगे। बनाना के साथ कीवी बनाना स्मूथी बनाएंगे, उसके साथ स्वीट योगर्ट बनाऊँगा। बच्चों को जैसे खट्टी होती दही बच्चे नहीं खाते, आप डिफरेंट फ्लेवर्स में उसको बना के दें, फ्रेश क्रीम वगैरह डाल के, चीनी डाल के या शहद डाल के। इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटी है स्वीट की, जो स्वीट योगर्ट है वो बच्चों के लिए बनाता रहूँगा, आप वो खिलाइएगा। आज की रेसिपी देखते हैं कितनी क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी आपको बताता रहूँगा। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉल करके पूछ सकती हैं। सुबह 11 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट चलता है, ठीक है, सुबह जो 11 लगे रिपीट हलंदो आहे। स्क्रीन ते नंबर हले पियो, तव्हां उते कॉल करे मूंखां पुछी सघो था, का बि शइ सां तव्हांखे समुझ न अचे, ठीकु आहे, का फरमाइश करणी हुजे उहो बि। ऐं जुमेरात जुमो यानी असांजो हलंदो आहे जुमेरात जुमो, ऐं छंछरु वारे ॾींहुं रिपीट हलंदो, सॉरी रिकॉर्डेड प्रोग्राम हलंदो आहे, जेको बैग पलनि जो आउटडोर कयां पियो उहो हलंदो आहे। वरी आचर वारे ॾींहुं, ठीकु आहे, खमीस जुमो ऐं आचर मां लाइव हूंदो आहे टे ॾींहं, ऐं टे ॾींहं वरी ऑफ हूंदो आहे। हुनजे अलावा जेका रेसिपी हाणे मां ठाहियां पियो, त रेसिपी जेको आहे ऑरेंज चिकन पहिरीं ठाहींदासीं, ठीकु आहे। ऑरेंज चिकन लाइ असांखे छा छा शइ खपे उहो मां तव्हांखे ॿुधाए थो छॾां। ऑरेंज चिकन लाइ असांखे अधु किलो चिकन खपे बोनलेस, ठीक है, अधु किलो बोनलेस चिकन खपे बग़ैर हड्डी जे, आधा किलो बोनलेस चिकन ले लें बग़ैर हड्डी के, क्यूब्स में कटिंग कर लें। ऑरेंज जूस फ्रेश आप निकाल लें या टेट्रा पैक का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फ्रेश जूस अभी ऑरेंजेस मिल रहे हैं, अगर कभी नहीं भी मिलते आपका दिल करता है ये रेसिपी बनाने के तो टेट्रा पैक नेस्ले वालों का ही मिलता है जूस हम लेते हैं, तो नेस्ले कंपनी का आप ले लें, उसमें कीनू का आ रहा है फ्लेवर, तो कीनू आप वो फ्लेवर लेके आप इससे ये ऑरेंज चिकन बना सकती हैं, ठीक है। इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज भी डालेंगे। वैसे इस रेसिपी में शिमला मिर्च और प्याज नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ी एडिशन कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे ये खाने में, फिर आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं। मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं और रेसिपी आप नोट करते जाइएगा, जिनकी फरमाइश थी मैं हमें नवाब शाह से कहीं से थी, तो वो भी आप नोट करते जाएँ, ठीक है। रेसिपी नोट कर जो तमाम बेहतरीन रेसिपी है। इहो ऑरेंज चिकन पहिरीं स्टार्ट कयूं था, ऑरेंज चिकन लाइ असांखे हिकिड़ो बॉल खपे, ठीक आहे, एक बॉल लेंगे, मैरिनेट करे हिनखे रखिबो आहे। हिन में असां विझंदासीं अधु किलो चिकन क्यूब्स में कटिंग थियल, ठीक है, आधा किलो चिकन बोनलेस ले लें, हड्डी वाली भी आप बना सकती हैं, अच्छा हड्डी वाली भी बना सकते हैं, अगर बोनलेस नहीं मिलती सीने का होता है आप हड्डी वाला सीने का पीस ले लें, उसमें हड्डी बहुत कम होती है, ठीक है, वो आप ले लें सीने का पीस, हड्डी उसमें बहुत कम होती है, उसे कहते हैं गोल्डन पीस, गोल्डन पीस आप करवा लें फिर उसमें आप बना सकती हैं, ठीक है। हिते असां छाए में विझंदासीं, हिन में असां विझंदासीं थूम, बिल्कुलु बारीक चॉप करे विझंदासीं, पहिरीं मां थूम जी कटिंग करे वठां, ठीकु आहे।
लहसुन हम इसमें बिल्कुल बारीक डालेंगे चॉप करके. लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें लहसुन के जवे ले लें, बड़े हैं देसी हैं तो आपने इस तरह इसको प्रेस कर लें या कूट लें. ठीक है, फाइन चॉप करके एक टेबल स्पून जितना इसमें लहसुन जाएगा, बिल्कुल बारीक कटिंग थेल असल में विजंदासी थूम. ठीक है, एक टेबल स्पून जितनी बिल्कुल बारीक या कुटे विझिजो या कटिंग करे पेस्ट ना विझिजो. ठीक है, जो इनकी ऑथेंटिक रेसिपी है ओरिजिनल जो रेसिपी है उनमें पेस्ट ना विझबो है. ठीक है, अच्छी तरह आपने कूट लेना है मोटा मोटा लहसुन को या फाइन चॉप कर लें इस तरह. बहुत ही मज़े की बनेगी ऑरेंज चिकन की. हो गई चॉप हमारी 1 टेबल स्पून जितनी लहसुन. ठीक है, थूम 1 खाने जो चमचो. कॉल वठूँ था. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम अदा. केवे की था गलायो पिया? मां लालका ने खादा संडी आ गए हम भी जी. कुछ चैन चाहिए तो जी को फरमाइश था जी. जी अदा मुझे फरमाइश है देखो तंगारन दे लाइ तेल बुझायो पिया. हां हां वो मुखा म्यूट थी वे. और ठीक है, अच्छा बुधी वो हाँ बुधी वो. ठीक है, अद लीटर सरे जो ऑयल खो. ठीक है, उनमें 8 खाने जा चमचा मेथी दाना जो हों हुड़बे जहा बिज मेथी जो दाणो हों ना वो 8 खाने जा चमचो तए के मथा सेक जो उनके हल्को सो खुशबू अचण लगे सड़े ना थदो करे उनके कुटे छो कुटन पाउडर वागर ना थोड़ा अद कुटल हुए वो ऑयल में विझी शीशे की बोतल में बंद करे उनके 7 to 10 days तक उस में पई हुए डेली उनके हिलाए जो 10 days का इस्तेमाल कजो. एक डी तेल लगाण चंगी तरह मसाज कजो चोटी बधी छो वार का टाइट बधी छो बे डी शैम्पू कजो को सुठो शैम्पू वो हफ्ते में 3 times यो कजो तो 2 to 3 months में ताजा वार पो सुठा थी वा वार जब 2 मुहारा हूँ या टुटी पवंदा ग्रोथ ना थी वो सुठा शाइनिंग वाला थी. ठीक है, थैंक यू दी, अल्लाह हाफिज़. अच्छा यहाँ पे हमने चिकन लिया, चिकन हमने 1/2 किलो लिया, उसमें लहसुन डाला बिल्कुल फाइन चॉप करके 1 टेबल स्पून वाली तो ये लहसुन डाला फाइन चॉप बिल्कुल. और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च 1/2 किलो चिकन खाई 1/2 किलो चिकन में असा विझंदासी छा इनमें असा विझंदासी थूम जो पेस्ट कुटियल थूम विझंदासी हुन खां पोइ असां इनमें छा विझंदासी असा विझंदी इनमें पीठल गाढ़ा मिर्च विझण का पोई में विझंदी लूण 1/2 चाय जो चमचो 1/2 चाय का चम्मच नमक डाल दिया. फिर इसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 teaspoon से कम काली मिर्च 1/4 cup हम डालेंगे काली मिर्च. ठीक है, काली मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे गुड़ पिसा हुआ गुड़ या ब्राउन शुगर. ठीक है, गुड़ 2 चाय के चम्मच इससे मीठा नहीं होगा अच्छा सा फ्लेवर आएगा बहुत ही जबरदस्त किस्म का. ठीक है, ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसमें गुड़ डाल दें 2 चाय के चम्मच गुड़ 1 चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच नमक 1/2 चाय के चम्मच से कम हमने इसमें सॉल्ट डाला लहसुन बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ मैंने इसमें कितना डाल दिया है 1 खाने का चम्मच. अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून सोया सॉस 2 टेबल स्पून 2 खाने जा चमचा सोया सॉस 1 खाने जो चमचो अच्छो सिरको 1 खाने जो चमचो थूम कुटियल बिल्कुल बारीक. ठीक है, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो पीठल कारा मिर्च 1/2 चाय जे चमचे का घट लूण इनमें विझंदी 1/2 चाय जो चमचो. ठीक है, गुड़ या ब्राउन शुगर न मिले गुड़ जो पाउडर करे वो 1 खाने जो चमचो विझी छो यो मिक्स करने का इनमें विझंदी ऑरेंज जूस कीनू जो जूस जो हों ये विझंदी इनमें 1/2 cup हम डाल देंगे ऑरेंज जूस. इसके बाद इसको करेंगे मैरिनेट अच्छी तरह मिक्स करके आपने रख देना है 1/2 घंटा. कॉल वठो था. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अता छाला बिल्कुल ठीक ठाक था बताओ केरे की था गला पिया. हेलो जी जी आवाज आ रही है? जी जी अच्छे पई मार्जिन तो मार असन पूरा न ताते उन्हें के बारे में बतायो. अदि हाने त मा ऑयल जो बुधायो ता शायद बुधियो ना अच्छा ठीक है टीवी थोड़ी देर में बुधाया तो ठीक है दी ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज़. अच्छा इसको हमने मैरिनेट करना है इसमें हमने ऑरेंज जूस डाल दिया. ठीक है, ऑरेंज जूस डाल के जब चिकन को हम 1 घंटा रखेंगे उससे क्या होगा इसके अंदर फ्लेवर आएगा ऑरेंज का. ठीक है, ऑरेंज जूस जो फ्लेवर इंदो कीनू जो हों कीनू जो जूस विझ छो 1/2 cup यो इतने साइड में रखी छो हाँ कदी टाइम की बचत कर असा इतने विझंदी
फ्राइंग पैन में ये चिकन विझंदासीं, ठीक है। मैरिनेट मैं इतना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है। मैं आपको वर्बली इसका तरीका बता दिया कि मैरिनेट कितनी देर करना होता है, आधा घंटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डालना है ऑयल, ठीक है। पहले पानी इसका ड्राई करते हैं। फ्राइंग पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, बिल्कुल इसको अच्छी तरह खुश कर दें। इनमें विझंदासीं ऑयल 4 टेबल स्पून, 4 खाने का चम्मच ऑयल, ठीक है। ये ऑरेंज चिकन बन रहा है, 4 टेबल स्पून ऑयल हो गया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। और ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया हुआ था ऑरेंज जूस के साथ, ये चिकन हम इसमें डाल देंगे और इसको पकाना है, ठीक है। ये ऑरेंज चिकन जो है इंजंदो विझंदो इनके पचाईंदो जड़े ही ड्राई थी विंदो, चिकन फ्राई थियण लगंदी, ऑरेंज जूस सां गॾु ही पचंदी त ही ज़बरदस्त ऑरेंज चिकन तयार थींदी। हिन जा ॿिया बि हिकिड़ा तरीक़ो आहे कि कोटिंग करे बि माण्हू ठाहींदा आहिनि, लेकिन मां सिंपल तरीक़े सां ठाहियां पियो ताकी हिन जो फ्लेवर तव्हांखे सुठो लॻे। कोटिंग जो छा हूंदो, मैदो विझी हिनखे कोट कबो आहे, हुन खां पोइ हिनखे फ्राई कबो आहे, उहो बि तव्हां करे सघो था। हुनजो तरीक़ो ॿुधाए छॾियां, जॾहिं असां मैरिनेट कंदासीं ऑरेंज जूस न विझंदासीं, ठीकु आहे। ऑरेंज जूस अधु कप न विझणो, पोइ 3 खाइण जा चमच ऑरेंज जूस विझंदो, 2 खां 3 खाइण जा चमच मैदो विझी हिनखे कोट कंदो, कोटिंग थी वेंदी, पोइ हिनखे फ्राई कबो। जॾहिं फ्राई थींदी पोइ हिनमें ऑरेंज जूस विझी हिनखे पचाइबो, लेकिन उहो तरीक़ो बि सुठो आहे, लेकिन इहो ईज़ी तरीक़ो आहे, हिनमें फ्लेवर वधीक सुठो अचे थो, ठीकु आहे। कोटिंग वाला तरीका भी बता देता हूँ। इसमें जब आपने जूस, फिर आप 3 टेबल स्पून डालेंगे, मैंने 1/2 कप डाला, ठीक है। उसके साथ 3 टेबल स्पून मैदा डाल के आपने मिक्स करना है, कोटिंग सी हो जाएगी मैदे की वजह से। फिर उसको आपने पकाना है चिकन को, और जब कलर उसका आ जाएगा, ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर आपने इसमें मज़ीद 6 to 8 टेबल स्पून उसमें जूस डाल के फिर पकाना है। लेकिन ये ईजी जो रेसिपी है, ओरिजिनल जैसे बाहर बनती है तो ये इसी तरह का बनता है, ठीक है। ऑरेंज चिकन जी, ठीक है। शायद ही कॉल लेते हैं गुलिस्तान जोर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया, कल परसों मेरी कॉल नहीं लगी, आज बनाया मैंने। अच्छा, कैसा बना? बहुत मजे का बना है, और वो भी बनाई मीठी टिक्कियां, वो आटा वाटा दो बना के रखी अभी। हाँ, वो भी बनाई आपने? जी जी, वो अभी फ्राई करनी है, डो बना के रखी है। अच्छा, डो बना के रखी, बस डो इतनी ज्यादा देर नहीं बना के रखिएगा, डो को आपने 1 घंटा रखिएगा, ठीक है। बनाओ 1 घंटा आपने बताया, ठीक है। फिर उसकी बाद में इंशाल्लाह वो भी जल्द नेक्स्ट वीक या उसके कमिंग वीक में बनाऊंगा, मुझे याद है आपकी ना डोनट वाली। अच्छा, मैं बेटी माइंड से बात कर लें जी। बिल्कुल बिल्कुल कराइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है माहिन? ठीक हूं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मम्मा बना के देती है ना अब तो रेसिपी? डोनट अब आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, जल्द बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे चिकन हमारी फ्राई हो रही है, जॾहिं चिकन फ्राई थिए पई हिनसां गॾु असां हिते कटिंग स्टार्ट था करे वठूं, ठीकु आहे। अच्छा, हिनखे सुठो फ्लेवर ॾियण लाइ मां कटिंग छा थी कयां पियो, 1 अदद शिमला मिर्च, ठीकु आहे, ऐं 1 अदद बसर जा वर्क विझंदासीं। शिमला मिर्च वॾो खणंदासीं ऐं शिमला मिर्च जा साइड्स असां हीअं कटिंग करे छॾंदासीं, ठीकु आहे। शिमला मिर्च खे हम साइड्स कटिंग कर देंगे इस तरह करके, ठीक है। इसके क्यूब्स इसलिए डाल रहा हूँ तो इससे, ये देखें आप, ऑरेंज में ये पक रहा है, ठीक है। ऑरेंज जूस जो है, अच्छा इसमें अभी ऑरेंज जूस और जाएगा, पहले मैंने 1/2 कप डाला था, 1/2 कप मैं इसमें और डालूंगा। जब आपको लगेगा इसमें बबल्स बन रहे हैं तो इसमें 1/2 कप हम और डालेंगे, ठीक है। जॾहिं तव्हां ॾिसंदो 1/2 कप इनमें ऑरेंज जूस असां विधो मैरिनेशन में, हुनमें चिकन पचंदी, वरी मां इनमें 1/2 कप विधो, तकरीबन ही 1 पैकेट जीअं ऑरेंज जूस हूंदो आहे 1 कप जेतिरो आहे, ठीकु आहे। त इन खां छा थींदो, इन अंदरि फ्लेवर ईंदो, जूसी फ्लेवर ईंदो, ज़बरदस्त इहा चिकन ठहंदी। दरमियानी बाहि ते हिनखे पचणु ॾियो, ऑरेंज जूस में ही चिकन तव्हांजी गरी वेंदी, हिनजो फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो। हिते असां छा कंदासीं, हिन जा क्यूब्स कटिंग करे था वठूं, ठीकु आहे। इस तरह आपने शिमला मिर्च के क्यूब्स बना लेने, शिमला मिर्च के क्यूब्स बना के इसको आपने डालना है, ठीक है, प्याज के क्यूब्स। अच्छा, ये फिर बता दूं कि ये वैसे जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसमें शिमला मिर्च और प्याज नहीं डलता, लेकिन मैं इसको अच्छा करने के लिए, थोड़ा आपको और अच्छा लगे तो इसमें मैं प्याज और शिमला मिर्च डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा मज़ेदार फ्लेवर होगा, जैसे मैंने भी खुद भी बनाई है घर में, तो इसी तरह प्याज और शिमला मिर्च डाल के उससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। प्याज को, बड़ा प्याज एक गोल ले लें, उसको दोनों साइड से इस तरह कट करें, दोनों साइड से कट करके उसके वर्के अच्छे बनेंगे, ठीक है, क्यूब्स अच्छे बनेंगे। जो स्किन लाई तो चलो ये छिलको, फर्स्ट वारो पहला छिलका इसको उतार लें, उससे क्या होगा, छिलका हटाने से आपका ये कटिंग बहुत अच्छी होगी क्यूब्स की, ठीक है।
अब इसकी हम कटिंग करते हैं, इसी तरह चार हिस्सों में काट लें प्याज को और फिर इसके बाद इसके क्यूब्स खोलना शुरू कर दें, इस तरह कर दें, ठीक है। हेडिसो क्यूब्स हद से ढाई बढ़ चुके हैं, ये चाइनीज स्टाइल में ठंड है, ठीक है। इसके आपने क्यूब्स खोलना शुरू कर देने और इस तरह ये आपकी हो जाएगी ऑरेंज चिकन तैयार जी। फरजाना शाकिर कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी रेसिपी भाई आज तो, बहुत ही अच्छी है। हाँ फरमाइश थी उनकी जिन, मुझे याद है किसी ने फरमाइश की थी। हाँ काफी दिनों से वो कर रही थी तो मैं बना नहीं पा रहा था। ये मेरी फेवरेट है वैसे। आपने तो बनाई होगी पहले ही। हाँ कौन सी वाली बगैर बर्गर की आप बोल रहे थे ना कि आप कहीं गई हुई थी। हाँ 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 जो बर्गर देखे आपने उसके ऊपर फेसबुक पे ना, तो मैं बच्ची को दिलाए थे, मैं ऑरेंज चिकन जो ना ऑर्डर की थी मैंने। अच्छा मजे की होती है ना। हाँ मैं बनाऊंगी, आपके लिए भी बहुत आसान है। हाँ ये बहुत इजी है, आप जरूर बनाइएगा इसको। हाँ जरूर ट्राई करके फिर आपको बताऊंगी, बहुत मजे की बनती है। हाँ और आज की बहुत अच्छी आती है, और मैंने इसमें ना प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर रहा हूँ ना, उससे ज्यादा अच्छा लगेगा ये। बिल्कुल अलग अच्छे लग रही है रेसिपी। हाँ हाँ अच्छा, वैसे अच्छी नहीं होती हैं। वैसे आप जो ना बस ज़्यादातर बिरयानी, बिरयानी का नाम नहीं लूंगी मैं। बिरयानी तो माफ कर दे, मैंने कब बनाई है मेरी बहन। आपके ऊपर स्टैंप लग गया है। कब कहाँ, मैंने इतने दिनों से बनाई नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ एक हफ्ता बिरयानी का रखूँ, पूरे बिरयानी की वैरायटी निकालूँ। तो बस फिर मैं एक हफ्ता आपका प्रोग्राम नहीं देखूंगी। अच्छा आपको इतनी बुरी लगती है बिरयानी? बिरयानी बुरी नहीं लगती, चावल की राय मुझे ना नई नई रेसिपी ट्राई करने का शौक है, जैसे आप अभी ये बना रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन हर कोई तो नहीं ट्राई करता ना। हाँ ये तो करना चाहिए ना, हर चीज करनी चाहिए। हाँ ये तो है, ये तो अच्छी बात है, हर चीज ट्राई करना चाहिए। चलो ठीक है। हाँ हाँ मजाक चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये देखें इसका, हाँ चिकन हमारी ये ड्राई होना शुरू हो गया, ठीक है। जब ये सफ़ा ड्राई थी वी तारी सौ पिया जो पानी ड्राई थी वो ही बिल्कुल खुश्क थी वी पो चुल्लो बंद पे छंदी, बल्कि इनमें शिमला में बसर विझी हल्को सो सौते कदी चुल्लो बंद करता थी। कि शॉर्ट ब्रेक वा कदम जो ब्रेक खा पहुंचेगा सिटी कंटिन्यू कर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका ऑरेंज चिकन ठहे पई ॾाढी ज़बरदस्त, इहो तव्हां ज़रूरु ॾिस ट्राई कजो, ऐं ॾाढी मज़े जी आहे। मां हाणे छा कयो, ब्रेक जे दौरान थोरी सी बूटी खाई ॾिठी, ॾाढी ज़बरदस्त ठही आहे, ऐं हिन तरीक़े सां तव्हांखे ठाहिणी आहे। ऐं में हाणे ॾिसो ग्लेस अचे पई, हिकिड़ी लेस अची वई आहे, हीअ सफ़ा घाटो थी वियो आहे, ठीकु आहे। जो मिक्सचर जेको सफ़ा घाटो थी वियो आहे, ऐं हिनखे थोरो पचाइण खां पोइ जॾहिं हल्की सी ग्रेवी रहिजी वञे घाटी घाटी, पोइ हिन में असां छा विझंदासीं, साई मिर्च, शिमला मिर्च ऐं बसर क्यूब्स में कटिंग थियल, हिकु बसर हिकु शिमला मिर्च, ठीक है। जब ब्रेक के दौरान मैंने इसे पकाया, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, हल्की सी इसमें ग्लेस रह जाए, आप देखेंगे ग्रेवी सी होगी, गाढ़ी सी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने शिमला मिर्च डालना है और सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने क्रंची करना है इसको पका के, ठीक है। शिमला मिर्च और हरी प्याज, बहुत मज़ेदार है रेसिपी, बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करें। आप ये ना सोचें कि ऑरेंज जूस से क्या फ्लेवर आएगा, ऑरेंज जूस से ये और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। जैसे चाइनीज़ हम खाने खाते हैं सोया सॉस वगैरह सब जाते, उसी तरह की ये रेसिपी है। और ऑरेंज से इसका खट्टापन, इसके अंदर खट्टा मीठा, मैंने इसमें गुड़ डाला, ऑरेंज डाला है, यकीन करें बहुत ही मज़े की रेसिपी है, उसको ज़रूर आपने ट्राई करना। फरजाना शाकिर जैसे किसी रेस्टोरेंट में खा के भी आई हैं और वो कह रही हैं ट्राई करूँगी, ईजी वे में मैं बना रहा हूँ, वरना ये रेस्टोरेंट्स में बड़े महंगी मिलती हैं इस तरह की रेसिपीज़। आप लोग बनाएं, बिल्कुल सस्ती रेसिपी, कीनू का जूस डालता, बाकी मसाले सारे हमारे घर में मौजूद होते हैं। अगर गुड़ नहीं है, इन केस पे आप चीनी डाल सकती हैं 2 चाय के चम्मच, ठीक है। अगर खंड गुड़ ना है, वो गुड़ हर घर में मौजूद होंगे, गुड़ खा ऐं कीनू जे जूस खा, इनमें ॾाढो ज़बरदस्त ऐं ॻाढ़ा मिर्च विधाइनि था, खटो मिठो हिकिड़ो फ्लेवर ईंदो, ॾाढी ज़बरदस्त चिकन आहे। अच्छा चांवर ठाहियो, हुन सां गॾु खायो, ठीक आहे। हीअ तक़रीबन 3 माण्हू आराम सां खाई सघंदा हिन क्वांटिटी में। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कीअं
भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कुछ कहना चाहेंगी? ये भाई कीमा कैसे बनाते हो ये बताओ। कीमा मुझे बनाना है। कीमा इनकी मिल पैक वालों की बड़ी जबरदस्त रेसिपी है, दम कीमा और दही वाला कीमा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है जी भाई। और कीमा और दही बड़े थोड़ा इंतजार करें बस, अब इंशाल्लाह रमजान शुरू हो रहा है अगले महीने से। काफी हाँ नहीं, इंशाल्लाह अब पहली के बाद मैं इस तरह की रेसिपीज बनाना शुरू करूंगा। और दही बड़े और दही फुल्कियाँ जो होती है ना, कुछ पहले बना के रखते हैं जो घर में, जैसे मार्केट से, वो भी बनाना सिखाऊंगा। तो अगले महीने इंशाल्लाह पहली के बाद से शुरू कर दूंगी रेसिपीज। ठीक है रमजान की। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इसको हमने अच्छी तरह पकाना। ठीक है अब नेक्स्ट मंथ देखिएगा, इस मंथ तो काफ़ी सारे खाने हैं, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारी करेंगे जिसमें दही फुल्की भी होती है वो, और दही बड़ों का तरीके, ये मसाले, दही बड़ा मसाला, ये सब बनाना सिखाऊंगा ताकि हम रमज़ान में इजी तरीके से प्रोग्राम कर सकें। जो मसाले हैं और जो इस तरह के केचप हैं, सॉसेज हैं, चटनियाँ, ये मैं सब पहले से बना दूंगा। फ्रोज़न पराठे ताकि आप लोग ईजी, और कुछ कबाब जैसे फ्रीज करके रख देते हैं हम लोग, और जो मांदा पट्टी होती है, जो समोसों की पट्टी, रोल की पट्टी, ये सब हम पहले ही बना लेंगे ताकि रमज़ान में हमें दिक्कत ना हो बनाने में, क्योंकि मेरे पास भी टाइम, फिर ब्रांड ज़्यादा होती हैं, कमर्शियल ज़्यादा होते हैं, ऑन स्क्रीन टाइम कम मिलता है, 35-40 मिनट हम ऑन स्क्रीन होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें फिर मैं मांदा पट्टी नहीं बना सकता, तो मैं पहले ही बना दूंगा। ठीक है इसको अभी थोड़ा पका रहा हूँ, जब आप देखेंगे हरी मिर्चों का प्याज में थोड़ी सी नरमी आ जाएगी लेकिन काला ना हो ये, ठीक है, तो ये हम डिश आउट कर देंगे। रेसिपी रिपीट कराएं तो ऑरेंज चिकन जी हाँ टीवी खोली हुई, अद्ध किलो चिकन खंड जो बोनलेस बगैर हड्डी जी, अगर बगैर हड्डी जी नहीं मिले सीने जो पीस खंड जो उन पीसेस कराई छो, हड्डी आराम से निकली थी, अद्ध किलो चिकन के एक प्याले में विझन दो, उनमें ऑरेंज जूस यानी कीनू जो रस करी वट जो, या पैकेट वारो वठी वट जो कीनू जो जूस, अध कप विझो, थूम कुटे एक खंड जो चमचो विझो, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो विझो, पीठल कारा मिर्च अध चाय जो चमचे का थोड़ा घट विझो, ठीक है, लूण अध चाय जो चमचो विझो, गुड़ पीठल ब चाय जो चमचा या एक खाण जो चमचो विझी छो, सोया सॉस ब खाण जो चमचा, अच्छो सिरको इनमें विझो एक खाण जो चमचो, चंगी तरह मिक्स करें एक कलाक रखो, उनका फ्राइंग पैन में चार खाण जो चमचा कुकिंग ऑयल विझी ये चिकन विझी छो, हल्की बाहे से पचान दिजो, जैसे ही घाटी थे लगेंदी चिकन गरी वी, हल्की बाहे से घाटो थे लगे सॉस, वरी अध कप इनमें ऑरेंज जूस यानी कीनू जो जूस विझी छो, हल्की बाहे से पचाए जो, जैसे सफा घाटो थे लगे पची वी चिकन बॉनलेस से जल्दी गरी वी, ठीक है, कवर करने की जरूरत ना है। पो एक बसर जा चार चार पीस करें वर्का ठाई छो, एक वो शिमला मिर्च जहाँ वर्का ठाई मिक्स करें इनके हल्की पाए थे 5-10 मिनट पचाए जो डिश आउट फेवर जो। कॉल बटू था अस्सलाम वालेकुम जी, कह रहे हैं कि थंग लाए पे तो चैन चाहिए तो अभी हेलो तमाम घड़ी मेहरबानी दी वो फरमाइश है ताजी लाइन ड्रॉप थी भाई। अच्छा ठीक है इनके अब इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। ऑरेंज चिकन के लिए बोनलेस चिकन ले लें आधा किलो, अगर बोनलेस नहीं तो सीने का पीस जो गोल्डन होता है वो ले लें आधा किलो, उसकी हड्डी आराम से निकल जाती, बारीक सी होती है पापड़ी की तरह हड्डी होती है, वो आप खुद निकाल सकती हैं। क्यूब्स बना लें, वॉश करें, उसके बाद आपने प्याले में डालना है। ऑरेंज जूस आपने एक कप रखना है, अगर ऑरेंज नहीं भी मिलते हैं तो ऑरेंज नेस्ले के मिल जाते हैं, कीनू आ रहा है नेस्ले का, ठीक है नेस्ले का आता है, कीनू का जूस मिलता है वो ले लें, वो आपने हाफ कप डालना है। लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप करके या कूट के एक टेबलस्पून डालना है, गुड़ एक टेबलस्पून डालना है, इन केस गुड़ नहीं तो फिर चीनी एक टेबलस्पून डाल दें, ठीक है, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई आधा चाय के चम्मच से थोड़ी सी कम करके डालें फोर टेस्ट, नमक आधा चाय का चम्मच डालेंगे, उसके अलावा आपने इसमें क्या डालना है, सोया सॉस दो खाने के चम्मच और सफ़ेद सिरका एक खाने का चम्मच, मिक्स करें एक घंटा छोड़ दें मैरिनेट करते हैं ताकि ऑरेंज जूस और मसालों में चिकन में फ्लेवर आ जाए। उसके बाद आपने 4 टेबलस्पून बड़े फ्राइंग पैन या तवा ले लें, या ऐसे पतीले में भी आप कर सकती हैं लेकिन फ्राइंग पैन में ज़्यादा ईजी हो जाता है, उसमें आपने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालना है, हल्का गर्म करें, ये सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन जूस के साथ उसमें डालें, हल्की आंच पे स्पून चलाते हुए उसको पकने दें, बॉनलेस से 10 मिनट में तैयार हो जाती है। अगर सीने वाला पीस ले रही है उसमें हल्की सी हड्डी होती है तो वो आप छुरी से निकाल दें, अगर नहीं तो फिर उसको पकने दें हल्की आंच पे, वो भी गल जाती है। उसके बाद आधा जूस बचा के रखा था ऑरेंज जूस अगेन डालें, हल्की आंच पे पकने दें पकने दें, जब वो गाढ़ा सा कैरामेल सा उसमें लुक आना लगेगा, गाढ़ापन आ जाएगा आप खुद ही देखेंगे। फिर आपने एक अदद शिमला मिर्च के क्यूब्स कटिंग करके डालने, एक अदद बड़े प्याज के क्यूब्स कटिंग करके डालने, ठीक है, हल्की आंच पे पकाते रहें, क्रंची रहना चाहिए शिमला मिर्च और प्याज,
बहुत ज़्यादा नरम ना हो, बस ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, इसका सॉस ड्राई हो गया, इसको हम करते हैं डिश आउट। ठीक है, वाइट राइस, बॉयल राइस, बटर राइस या जिसे हम भगार वाले सफ़ेद चावल बनाते हैं उसके साथ भी आप ये सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज चिकन कढ़ी ठाठो, मज़ेदार ही रेसिपी। इन का पोइ ठाईंदासीं मिठो और स्मूथी ठाईंदासीं। ठीक है, बिल्कुल ही ड्राई है, सॉस नहीं होता, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। आप इसको रूखा भी खा सकते हैं, आप इसको बटर के साथ भी खा सकते हैं, और सॉरी बटर के ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के स्लाइसिस के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, इन तरीके से ही ज़बरदस्त आई जिनकी फरमाइश हुई अना ते मुझे कॉल ना ही अल्लाह कर दिसंदा हो जन वरना सुबह जो यारे लगी है रिपीट हलन दो तो होते भी दिस सको तो पेज आए मुझे कुकिंग विद शेफ फैसल आए फेसबुक ते होते रेसिपी अपलोड थी। ठीक है, मेरा पेज है कुकिंग विद शेफ फैसल फेसबुक पे, वहीं रेसिपी अपलोड हो जाती है तो आप वहाँ भी देख सकती हैं और सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा। और हाँ, यूट्यूब पे अगर देखना चाहें तो सर्च करें सिंध टीवी एच डी कुकिंग शो। ठीक है, सिंध टीवी एच डी कुकिंग शो आप सर्च करें यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वहाँ पे आपको ये सारी रेसिपीज 6 मंथ की जो मेरे रेसिपीज़ हैं पिछली सारी प्रीवियस रेसिपीज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑरेंज चिकन तैयार। कॉल बट होता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे हैं कि था जी जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। पाए मेरी बहन इतनी गर्मी में पाए क्या कह रही है? कोरमा ठीक है, आप थोड़ा वेट करें, मैं कोरमा चिकन में चाहिए बीफ में या मटन में, आप किस तरह का? चले ठीक है, आप थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। ठीक है, कोरमा आपको। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी हो गई ऑरेंज चिकन तैयार। ठीक है, ऑरेंज के स्लाइसेस से ही मैंने इसको डिश आउट करके गार्निश कर दिया इस तरह स्लाइसेस के साथ। हे असा जी ऑरेंज चिकन थी भैया तैयार, इनके माँ रखा तो इतने टेबल से आई है तुम ऐसी सको था, उनका अचू था स्मूथी टाइम था। ठीक है, ऑरेंज चिकन मज़ेदार। अब हम आते हैं मिल पैक की स्मूथी बनाते हैं जो हमने बनानी है बनाना और कीवी से। ठीक है, मिल पैक स्मूथी ठाईंदासीं बदद केला। ठीक है, मज़ेदार है रेसिपी, बदद केला खणी वठो, एक गिलास जी है ये रेसिपी में बुधाएं पे, अगर तांके वधीक खाणी है तो उन हिसाब से तां विझी छो। ठीक है, केलन के बटर पीस के तो ही आए कीवी। ठीक है, ये कीवी है, बहुत ही मज़े का मिलता है, इसको एक दफ़ा मैं वॉश कर दूँ, थोड़ा सा मुझे यह साफ़ नहीं लग रहा अच्छी तरह, इसको ये चीकू की तरह इसकी शक्ल होती है, लेकिन ये बहुत मज़े का, यहाँ पे अब इसकी काश्त हो रही है पाकिस्तान में, पहले नहीं होती थी, बाहर से आता था, अब यहाँ पे हमें 150 रुपये किलो ऐसे मिलता है, 180 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, और आप एक दाना लें तो आपको हमें 20-25 रुपये का दाना मिलेगा। प्राइजेस इसलिए बताता हूँ कि कीवी वाकई बहुत महंगा होता था, पहले एक दाना 80 रुपये का मिलता था, बाहर से आता था, अब हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से हर चीज़ दस्तियाब है, मिल जाती है। इसके इस तरह देखें छिलका हटाएँगे, ग्रीन कलर का बड़ा खूबसूरत इसका अंदर से कलर निकलता है, बारीक बारीक इसके छिलके हटा दें, और ये खट्टा मीठा सा होता है, रमज़ान में जैसे फ्रूट चाट वगैरह ठाईंदा आहियूं त हे रमज़ान में इन जो फ्रूट चाट में भी यूज़ करे सको था। ठीक है, ढो मज़ेदार हों, खूबसूरत भी ढो हों, इनजा ये ऐसो ये दिखारो, इनके अंदर जो कलर ऐसो बिज जो इनजा ये खाण वारा ही हूँ, ढा खूबसूरत हूँ, ब्लैक कलर जो उनमें टच हों, ग्रीन कलर में हों, खूबसूरत इन जो कलर हों। ठीक है, इन तरीके जो तक हर जगह मिले पे, जौहर में भी, हर जगह गुलशन में, जो मार्केट्स में, हर जगह ही मिले तो। ठीक है, आजकल तो जुम्मा बाज़ार इतवार बाज़ार में भी पाया हुआ है, छा कर दें जी, काश दिते थी पे, ये महंगी ना है, मुझे हमें सिंध में ही भी थी पे, पंजाब में थी पे जी काश, सिंध में भी शायद हुए तो ये मिली वी न सखर वगैरह अड़े शहर में मिली। ठीक है, इनका साइड्स कटे छो, इनका स्लाइसिस क्यों था। ठीक है, इसके स्लाइसिस एक दो रख देते गार्निशिंग के लिए, और बाकी हम इसको बस एक काफ़ी होता है। ठीक है जी, कॉल बटूदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आदाब फैसल जी। जी फैसल गलाएं पे हो, अदर मां बलूचिस्तान फोन गई है, मां के पास रिपोर्ट आ गई हुआ मेहरबानी तमाम घणी दी।
छा जी अदी गाजर जी खीर अच्छा ठीक है मैं दिसा तो गाजर जो हियर सीजन आहे तब मां ताके ठाई तो दिया ठीक है दी कीनू जो जूस मिले तो ना वो यूज करे वठो इजीली मिली तो वने ठीक है ओके दी थैंक यू मेहरबानी अल्लाह हाफिज अच्छा हे नेस्ले जी दही यूज कंदासी नेस्ले जो खीर यूज कंदासी में ठीक है नेस्ले जी दही यूज कंदासी नेस्ले जो खीर यूज कंदासी तकरीबन छोटे पीसेस में चाहिए मुझे ठीक है नेस्ले की हम योगर्ट यूज करेंगे तकरीबन जी अच्छा ब्रेक का टाइम हो गया ठीक है शॉर्ट ब्रेक वटू था ब्रेक का पहुंची बई रेसिपीज क्विक एंड ब्रेक का पोठाइंदासी वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठाही ऑरेंज चिकन ज़बरदस्त रेसिपी उहा मां डिश आउट करे छॾी आहे ठीकु आहे तव्हां ॾिठी हाणे स्मूथी ठाहियूं पिया मिल्क पैक जी स्मूथी आहे तमामु बहितरीन ज़बरदस्त हिन में असां योगर्ट यूज़ कंदासीं ॾही मिल्क पैक जी यूज़ कंदासीं ऐं हुन सां गॾु हिन में खीर बि मिल्क पैक जो यूज़ कंदासीं बहितरीन इहा रेसिपी आहे हिन लाइ असांखे छा छा खपे ॿ अदद केला दो अदद केले स्मूथी बना रहे कीवी आप इसमें डालेंगे हाफ कप जितना एक ही कीवी लेके चॉप करके डाल दें ठीक है कीवी डालने के बाद आपने क्या करना है इसमें हम योगर्ट डालेंगे पहले हम चीनी डाल देते हैं चीनी पिसी हुई डाल दें या नॉर्मल डाल दें दो खाने के चम्मच ठीक है दो खाने के चम्मच पिसी हुई है मेरे पास चीनी तो मैं दो टेबल स्पून इसमें चीनी डाल रहा हूँ ब खाने जा चमचा खंड एक अदद के सॉरी ब अदद केला एक अदद कीवी इनकेस अगर कीवी ना है और सुठो को भी तव्हांखे फ्रूट वणे चीकू आहे अंब जो सीज़न अचे इन तरह का काफ़ी नरम जो भी फ्रूट सुठो लगे वो विझी सको था ठीक है इन से अगर असते बर्फ विझासी अध कप जेतरी हाफ कप आइस क्यूब्स डाल दें और नेस्ले के योगर्ट हम यूज़ करेंगे था कितना इसमें हम डालेंगे हाफ कप नेस्ले जी दही हाफ कप ठीक है हाफ कप ये डाल दी इसके बाद हम डालेंगे मिल्क पैक नेस्ले का मिल्क पैक मेरे पास पैकेट है ये पूरा फुल क्रीम मिल्क है ठीक है ये कटिंग करके ये मैं हाफ कप हाफ पैकेट ये डालूँगा ठीक है हाफ पैकेट ये चला गया अध पैकेट असा मिल्क पैक जो खीर विधो फुल क्रीम मिल्क अध पैकेट असा दही विझंदासीं नेस्ले जी ठीक है उन सां गॾु ॿ अदद केला हिकिड़ो को भी फ्रूट मां कीवी यूज़ कयो आहे तव्हां को भी फ्रूट नरम हिन में विझी सघो था हुन सां गॾु हिन में खंडु ॿ खाइण जा चमचा विधी आहे ऐं बर्फ़ मां हिन में अधु कप विधी आहे कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम बिल्कुलु ठीकु ठाक आप बताई क्या हले रेगुलर कॉलर नाम बताईगा अफशा कराची से क्या हाल है आपके दोबारा बताइए क्या चीज पूछ रही है बेसन की दही फुल्की जो बनती है ना बेसन की जो पकौड़े होते हैं उसमें दही और चाट मसाला डालते हैं चाट भी डलता है चाट भी डलता है दही में जो मिक्स करते हैं ना दही में चाट मसाला यूज करें और सफेद जीरा भून के कूट के एक चाय का चम्मच वो डाल दें नमक डलता है और अगर आप चाहें तो उसमें प्याज टमाटर खीरा डालना चाहें तो बारीक चॉप करके डालें वो भी अच्छा लगता है थैंक यू अल्लाह हाफिज़ लगता है अभी बना रही है अरे जो है हनी चलो लग ठीक है ये मज़ेदार स्मूथी इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है ताकि हर चीज़ ब्लेंड हो जाए बिल्कुल गाढ़े सा होता है और बहुत ही मज़े का बनता है चंगी तरह इनके ब्लेंड करे छो ब्लेंड करने का जैसे इनमें असम बर्फ विझा है तो फॉरन के सर्व करना तो रखा ना पे बर्फ जैसे इनमें विझा बिल्कुल क्रंची सो थी वो अगर बर्फ रख तो पानी छड़ी है बर्फ को पतलो सुनो अंदर पानी की लेयर अची वी तो इनका बेहतर है
तव्हां जॾहिं फ्रेश ठाहियो त हुन वक़्तु बर्फ़ विझी हिनखे फ़ौरन सर्व कंदा कयो, पोइ रखंदा कंदा कयो शाम ताईं या ॿ टे कलाक पियो हुजे, उहो पोइ कलर अजीब थी थो वञे हुनजो। ठीकु आहे, हे बि थी वियो असांजो। ये गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और जिस तरह का अभी सीज़न चल रहा है गर्मियों का, तो ये आप रोज़ बना के दही से ये आप लोग पी सकते हैं। मैं कीवी के इस पर पीसेस लगा रहा हूँ, ठीक है। जो आपके पास फ्रूट हो जो आप इसमें डाल रहे हैं उसके आप यूँ पीस करके लगा सकते हैं स्लाइस में। भी ही ना पी अंदर भी तो चलो इकड़ो इधर को था। ठीक है, ये हो गया एक गिलास, बल्कि डेढ़ गिलास बन गया। मैं एक गिलास कह रहा था, डेढ़ बन जाएगा आराम से आपका। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं सब किरण पिया। ठीक है, इन का पोइ असां छा ठाहींदासीं, हाणे असां ठाहींदासीं स्वीट योगर्ट। ठीक है, स्वीट योगर्ट क्या है, बिल्कुल मीठी दही। इसमें आप फ्रूट्स डालना चाहें, फ्लेवर डालें, लेकिन अब मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ कि जेली जो हम जमाते हैं पैकेट वाली लेके, किसी भी कंपनी की आप लेते हैं, उस जेली को उसका पाउडर जो होता है जेली का, वो आप इसके अंदर डालें। एक बादाम पड़ा है, मैं खा लेता हूँ। ठीक है, हित्ते छा है जेली जो पाउडर आया, मां ग्रीन कलर में यूज़ किया पियो। को भी कलर जो तव्हां में पाउडर विझंदो, इनका फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो, कलर ॾाढो सुठो ईंदो। ठीकु आहे, हिकिड़ी खणंदासीं बॉल। स्वीट योगर्ट यानी मिठी दही ठहंदी। हे असां अगरि पैकेट्स वारी वठी खाईंदा आहियूं, ॾाढी महांगी मिलंदी आहे, 70-80 रुपए जो हिकिड़ो पैकेट मिलंदो, हाफ कप जेतिरो या थोरो हूंदो आहे। ॿार बि खाईंदा आहिनि शौक़ सां, त इहो तव्हां पाण ठाहियो। गर्मियूं आहिनि त दही जो इस्तेमालु ॾाढो थींदो आहे, त हिन करे हे ऐं गेस्ट बि अचनि था तव्हांजे लाइ। हे तकरीबन 2 कप, डेढ़ कप जेती दही आहे। ठीक है, डेढ़ कप मैंने दही ले ली, या एक पाव कर ले चलें अंदाजे से। ठीक है, मैंने नेस्ले की दही यूज़ की है। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें क्या डालेंगे, हल्का सा दूध, बिल्कुल 4 टेबल स्पून दूध डाल दिया। चीनी पिसी भी जाएगी, 4 खाने के चम्मच। ठीक है, थोड़ा सा मिल्क पैक का दूध कितना डालना है, 3-4 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डालना। अब 4 खाने के चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगा फ्रेश क्रीम, मिल्क पैक फ्रेश क्रीम आहे नेस्ले जी। ठीक है, मिल्क पैक फ्रेश क्रीम आहे नेस्ले जी। ही पैकिंग ॾिठो, ॾिसो हिन जी वठो, ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे। मिठा ठाहींदा आहियूं, केक्स ठाहींदा आहियूं। अच्छा, हिन जो केक जो तरीक़ो ॿुधाए छॾियां, हिनखे तव्हां फ्रीज़र में रखो अधु कलाक फ्रीज़र में रखण खां पोइ तव्हां हिनखे चङी तरह बीटर सां बीट कंदो, वरी बीट कंदो त ही समा जेतिरी 15-20 मिंट हिनखे बीट कंदो, ही डबल थी वेंदी। उहा तव्हांजे केक जे मथां हणी सघो था, हूअं त विपिंग क्रीम मिलंदी आहे केक जी, नाहे त नेस्ले जी बेस्ट क्रीम आहे मिल्क पैक, या तव्हां केक्स जे मथां बि हणी सघो था। ठीकु आहे, इसको बि पैक खोल के, और ये हम हाफ़ पैकेट डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, हाफ़ पैकेट। ठीक है, नेस्ले मिल्क पैक हाफ़ पैकेट फ्रेश क्रीम। अब इसमें क्या डालेंगे, हाणे छा विझंदासीं, हे ग्रीन कलर जो जेको पाउडर आहे जेली पाउडर आहे। ठीक है, जेको असां जेली ॼमाईंदा आहियूं पाणी में डिज़ोल्व करे गरम, उहा जेली पाउडर आहे। हिनखे बसि इहो विझी हिनखे कंदासीं मिक्स, ही असांजी स्वीट योगर्ट तयारु थी वेंदी। कलर बनाना कलर में कंहिं बि कलर में तव्हां विझी सघो था, हिन में ग्रीन पिस्ताई कलर अचे पियो, तव्हां हिन में पिंक कलर जो रेड वारी विझो, येलो विझो, ब्लू कलर में बि अॼुकल्ह जेलीज़ अचनि पियूं, उहो बि विझी सघो था। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये हो गई, इसको ठंडा करके आप खाएं, बहुत मज़े की लगती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट आपको पसंद हो आप वो भी डाल सकती हैं। ठीक है, बच्चों के लिए बेहतरीन है ये स्वीट योगर्ट, छोटी छोटी प्यालियों में डाल के आप इस तरह इसको सर्व करें, अच्छी तरह बीट करें ताकि दही, फ्रेश क्रीम, मीठा, चीनी सब चीज़ें इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, ज़रूर ॿारनि खे ॾींदा कयो, ॿार दही न खाईंदा आहिनि, त पोइ इहो हिन तरीक़े सां तव्हां ठाहे ॾियो। जी अनम जी कॉल वठूं था, अस्सलामु अलैकुम। हलो, वाईकुम सलाम। अनम लाउडली ॻाल्हाइजो, आवाज़ बिल्कुलु घटि पई अचे तव्हांजी। हा बिल्कुलु ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो छा हाल आहिनि। ऑरेंज चिकन ठाही आहे। ठीकु आहे, ऑरेंज चिकन जी जी
मां हाणे ठाहींदमि नेक्स्ट वीक सैलेड ठाहिणो आहे नेस्ले जो ठीकु आहे मिल्क पैक वारनि जो सैलेड ठाहिणो आहे फ्रूट सैलेड आहे मज़ेदार वेजिटेबल फ्रूट सैलेड आहे उहो तव्हां ॾिसिजो सॼो हुन में तव्हांखे कंहिंखे सलाम ॾियां सारा त कॉल कंदी कोन्हे अलाए छो मां किथां सलाम ॾेई सघां थो मूं वटि त नंबर न आहे हुननि जो बसि पोइ तव्हांजो सलाम पहुची वियो हूंदो न हलो ठीकु आहे सारा खे तव्हांजो सलाम मिली वियो ठीकु आहे इन जो मतिलबु सारा तव्हांखे फोन कयो आहे की मां सलाम ॾियां सम्झी वियमि ॾिसे पई छा चइजो कहिड़ी नाराज़गी आहे भई अच्छा मोबाइल त आहे न तोते खे मोकिले छॾनि चओ तोते खे मोकिले छॾो हिते अची वेंदो हलो ठीकु आहे ओके पंहिंजो ख़्यालु रखिजो अला हाफ़िज़ अच्छा हिन जे मथां मां बादाम विझां पियो ठीकु आहे ज़रूरी न आहे तव्हां विझणु चाहियो त मां विझां पियो सुठो लॻंदो आहे थधो करे हिनखे फ्रिज में रखी पोइ तव्हां हिनखे मानी खां पोइ खाइजो ॾाढी ज़बरदस्ती लॻंदी ठीकु आहे इस तरह आपने आलमंड डालने पिस्ता डाल दें जो आपको अच्छा लगे ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर डालें ड्राई फ्रूट नहीं डालते तो आप कोई भी फ्रूट काट के इसके अंदर डालें बच्चों को दें बहुत ही मज़ेदार है गेस्ट आते हैं जैसे हम सोचते हैं क्या मीठा बनाएं कुछ चेंज बनाएं आप ये वाली स्वीट योगर्ट बनाएं बहुत ही मज़े की लगेगी यकीन करें बहुत अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं कि आप कस्टर्ड और इस तरह की चीज़ें ही बनाते रहें ये भी नई चीज़ें और गर्मियों के हिसाब से जैसे शाम के टाइम या खाने के बाद आप ये बनाएं बहुत मज़े की ठंडा करके इसको खाएं बहुत ईजी है ठीक है हे असांजी थी वही टई रेसिपीज़ तयारु मिल्क पैक जूं रेसिपियूं मां तव्हांखे ठाहिण सिखंदमि काफ़ी सारी मिल्क पैक जी वैरायटी आहे जेको मां तव्हांखे ठाहिण सिखंदमि काफ़ी सारी हिननि जी वैरायटी आहे ठीकु आहे ऐं हुनमें बिरयानी बि आहे मिल्क पैक में ठीकु आहे बिरयानी सां गॾु हुनमें छा आहे की दम जो कीमो आहे डिफरेंट क़िस्म जी शयूं आहिनि काफ़ी खाधा आहिनि मिल्क पैक जा ज़बरदस्त क़िस्म जा त उहो बि तव्हांखे ठाहिण सिखारंदमि हिननि जे पंहिंजे मसाले में ठीकु आहे इहे हो गया हमारा अॼु का मेन्यू ठीकु आहे हे जो अॼु जो मेन्यू आहे छा छा आहे ऑरेंज चिकन जंहिंजी फरमाइश उहो मां ठाही वरिती हुन सां गॾु स्वीट योगर्ट ठाहियो आहे मिठी ॾही ज़बरदस्त क़िस्म जी हिन में तव्हां फ्रूट विझो जेली विझो जेली जा क्यूब्स विझी सघो था स्मूदी ठाही आहे स्मूदी जी काफ़ी सारी वैरायटी आहे इनशाला रमज़ान ताईं ठाहींदा रहंदासीं रमज़ान में बि ठहंदियूं और इहे रेसिपीज़ सुबह 11 बजे रिपीट चलेंगी कुकिंग विद फैसल मेरा कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है फेसबुक पे वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी कोई चीज़ पूछनी हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझे वहाँ पे इनबॉक्स में ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ होंगी जिसमें मिल्क पैक की काफ़ी वैरायटी है काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और अपनी भी जो मेरी रेसिपीज़ है जो आप लोग की फरमाइश है वो भी साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे और थर्सडे फ्राइडे लाइव होते हैं सैटरडे को रिकॉर्डेड शो चलता है जो हम लोग आउटडोर करके आए हैं उनके कॉम्पिटिशन्स वो भी चल रहे हैं तो वो चलता है और संडे वाले दिन फिर मैं लाइव होता हूँ ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह सुबह जो 11 लगे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ सां मुझे पेज हो तो रेसिपी अपलोड थी वेंदी काश पुछणी हुए तो पेज से मैसेज कर पुछी सको था अगे हफ्ते नई रेसिपीज़ होंदी मिल्क पैक जी काफ़ी सारी मोट वैरायटी आहे काफ़ी सारे रेसिपीज़ आहिनि जंहिंमें मिठा बि आहिनि ऐं जंहिंमें नमकीन खाधा बि आहिनि बिरयानी बि आहे कीमे जी चिकन जी काफ़ी सारी वैरायटी आहे डिफरेंट तरीक़े सां उहो तव्हांखे ठाहे सघंदासीं इहे रेसिपी ज़रूरु ट्राई कंदा कयो जेको ठाहींदा आहियूं ऑरेंज चिकन ज़रूरु ठाहिजो ऑरेंज जो सीज़न आहे न बि हुजे त नेस्ले जो ऑरेंज कीमू जो जेको जूस मिलंदो हुनमें ठाही सघो था ऐं ठाही ज़रूरु हुनखे ट्राई कजो इनशाला वरी मुलाक़ात थींदी दुआनि में अदा कजो अलाह हाफ़िज़